लेकिन ए के मिश्रा जी मुझे बताइए, पिछले 10 वर्षों की अगर राजनीति देखी जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मात्र संगठन है और जिसका राजनीतिक चेहरा भारतीय जनता पार्टी है, उसने देश की राजनीति को हिंदूवादी सेंटर बना दिया है। इसके पहले जो ऊंचा पैजामा पहन के, लंबी दाढ़ी लगा के और ऊंची टोपी पहन के रोजा इफ्तार पार्टी की जाती थी, दफ्तरों में जो अंगोछा बिछा के और जिस तरीके से नमाज की जाती थी, सड़कों पे पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता था नमाज के नाम पर, कम से कम अब जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और अब बहुसंख्यकों की बात भी की जा रही है। ये अपने आप में क्या पिछले 10 वर्षों में बदली हुई राजनीति का एक नया चेहरा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप वेबसाइट पे आरएसएस को सर्च करिए और उनका जो मेन पेज है उसको देखिए तो इनके 17 या 25 एजेंडा दिए हैं, उसको पढ़ लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आरएसएस अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है सर। विकीपीडिया पे इनके फॉलोअर्स लगभग 4 से 6 मिलियन दिया हुआ है। तो लोकतंत्र में और किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी काम में सर मैन पावर, नंबर ऑफ हेड्स बहुत बड़ा एसेट्स होता है सर। 6 एसेट होते हैं, 6 M होते हैं, जिसमें मैन पावर होता है। तो जहां पे 4 मिलियन आदमी आपके साथ हो जाए तो डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। मैं बोलता हूं एक ट्वीट हुआ और 4 मिलियन आदमी ने उसको फॉलो, लाइक या शेयर कर दिया, तो कितना बड़ा वो ओपिनियन बनाने में सर। मेकिंग ऑफ ओपिनियन वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक बहुत साइंटिफिक काम है सर। और इस चीज को देखिए, सारी चीजें केवल मोदी जी नहीं कर रहे हैं, उनके पास तो टाइम भी नहीं होता है, सारी चीजें इतना बिजी शेड्यूल होता है। स्ट्रक्चर इनका देखिए, इनका मोडस ऑपरेंडी देखिए, इनका स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन देखिए। इन्होंने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, बीजेपी को और आरएसएस को इतना गजब का डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ है। थिंक टैंक अलग होगा जी, अटैक करने वाली टीम अलग होगी जी, डैमेज कंट्रोल का टीम अलग होगा, केवल अपोजिशन के टॉप लीडर राहुल गांधी को मैनेज करने के लिए अलग स्पेशलिस्ट होंगे, मायावती को मैनेज करने के लिए अलग स्पेशलिस्ट होंगे। तो जब इतने माइक्रो लेवल पे आप अपने शतरंज की बिसात और उनकी गोटियां बिछाते हो, अच्छा, और अभी कांग्रेस वगैरह अपोजिशन क्या सोचे हैं, एडहॉक बेसिस पे ये लोग अभी भी ले रहे हैं, इनको समझना चाहिए 2014 के बाद, बिल्कुल 2014 के बाद पूरा पैराडिगम, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पैराडिगम जो है वो शिफ्ट हो चुका है सर। और इस बदलाव के कारण अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हो तो ये केवल इलेक्शन नहीं है सर, ये हार जीत के लिए ये इलेक्शन नहीं है सर, अस्तित्व बचाने की ये लड़ाई है। मैं आपको पैराडाइम शिफ्ट कर तो दिया, जो ऊंचा पैजामा पहनने वाले और ऊंची टोपी लगाकर, अंगोछा डालकर, बिल्कुल गले में जो रोजा इफ्तार पार्टी करते थे, उनको मंदिर मंदिर जाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह ने मजबूर तो कर दिया। ये एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है सर। मैं देखिए, कुछ चीजों में बहुत जबरदस्त पॉजिटिव शिफ्ट है। पॉजिटिव शिफ्ट ये है कि आप किसी एक जाति विशेष को छोड़ के सबकी बात करिए, ठीक है, सब भाई जिंदगी सबकी होती है, सबको दवा की जरूरत है, सबको हर चीज की जरूरत है। ये चीज इनकी एक बहुत रोक रहे हैं। दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, जरा उप मुख्यमंत्री। बात तो यह है कि इस विपरीत परिस्थिति में जब संपूर्ण विपक्ष एक साथ मिलकर जातिवाद का, संप्रदायवाद का, क्षेत्रवाद का खुला एक इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा हो जो समाज में विघटन की चरम सीमा पर पहुंचने वाला हो, उस परिस्थितियों में आज भी 22 साल की जो सरकार का किया हुआ कार्य, उसमें एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी है गुजरात में। और 22 साल के बाद भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये मोदी जी का जादू है, ये अमित शाह जी की संगठनात्मक क्षमता का प्रतीक है। और हिमाचल में भी हम भारी बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि समय के बदलाव के साथ साथ लोग भारतीय जनता पार्टी पे पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के नहीं बल्कि विश्व स्तरीय नेता बन गए हैं, जिसमें विश्वास आम जनता का भरा हुआ है। गुजरात में बहुत सारी कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी ने और कुछ क्षेत्रीय जातिवादी नेताओं को साथ में लेकर कि वो जातिवाद का जहर बोएंगे गुजरात में और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का सपना है उसको चूर करने की कोशिश करेंगे। और उसमें सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं, सबने एक साथ एकजुट होकर एक शक्ति लगाई और उस शक्ति के बावजूद हम गुजरात भी जीत रहे हैं और हम हिमाचल भी जीत रहे हैं। जी, वीके गोस्वामी साहब, देखिए उप मुख्यमंत्री हैं आपके उत्तर प्रदेश के, कैसे दावे कर रहे हैं कि 22 वर्ष का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी वो उन्होंने तोड़ा है, तो जो स्थानीय मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनका नाम भी लेने वाला कोई नहीं है। सवाल बड़ा यही है कि आपने चुनावों को इतना बड़ा बना दिया है, आपने चुनावों को पर्सनालिटी क्लैश बना दिया है कि अब पर्सनालिटी क्लैश सामने आ गया है, विकास पीछे छूट गया है, यह बड़ी बात है। ए के मिश्रा साहब, क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर काम किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे उजला चमकदार सबसे बड़ा चेहरा वो नरेंद्र मोदी खुद हैं, और इसीलिए चाहते हैं कि 2019 के चुनावों का वक्त पहले खींचा जाए और दिसंबर 2018 में वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी का को आगे लेकर आया जाए और लोकसभा चुनाव भी एक साथ हो, विधानसभा चुनाव भी एक साथ हो, ताकि मीडिया और अपोजिशन के लिए कुछ बचे ही नहीं। नहीं देखिए, अभी हेमंत तिवारी जी ने ये बोला कि भाई एक ही चेहरे को आगे किया जा रहा है। मैं इसको टेक्निकल वे में अगर इसको क्लासिफाई किया जाए, बीइंग एन एक्सपर्ट, तो ये इसको बोला जाता है इंडिविजुअलाइज्ड या यू कैन से पर्सनलाइज्ड पॉलिटिकल गेम, जहां पे कि सब कुछ एक सेंटर में एक आदमी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, चाहे नेशनल इमेज हो चाहे इंटरनेशनल हो। एक बड़े काम की बात बोलता हूं सर, अपने देश की इमेज बाहर भी बन रही है। क्रिकेट मैच में जब क्रिकेट जीतते हैं तो लोग इंडिया 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 चिल्लाती है पब्लिक, मोदी जी बाहर जाते हैं, मैं उनको थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा हूं, वहां लोग इंडिया 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 नहीं चिल्लाते हैं, मोदी जी मोदी 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 चिल्लाते हैं। मेरे कहने का मतलब बाहर इमेज तब बनेगी जब वहां के लोग इंडिया 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 चिल्लाने लगेंगे। दिस इज वन थिंग। नहीं, इसका थोड़ा सा दूसरा पहलू भी है कि कम से कम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी एक स्टेट्समैन की तरह बर्ताव करते हैं, वो अपनी मर्जी से दुनिया के किसी भी देश में चले जाते हैं और वहां पर जाके जिस तरीके से माहौल बनाते हैं, भाई अगर मोदी 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 हो रहा है तो दुनिया को पता है कि मोदी भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो एक्सेप्टेड। मेरे कहने का मतलब मोदी वर्सेज इंडिया में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ, इंडिया है कि भाई धोनी 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 भी तो हो सकता है ना, लेकिन वो ये मैं देखिए वो भी एक अचीवमेंट है। मैं उसको जो है वो नहीं मतलब कमतर करके मैं नहीं आंक रहा हूं, अचीवमेंट वो भी है, लेकिन ये होता तो वो एक थोड़ा और बेटर होता। रही बात जो आप बोल रहे हैं 2019 का कि सारे इलेक्शंस क्यों कर, देखिए सारे पहलुओं पे आप विचार करिए, इसके अच्छाइयां भी हैं इसकी बुराइयां भी हैं। अगर सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे तो बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि उसके पास मोदी जी जैसा एक ट्रम्प कार्ड है और एक साथ पूरे देश में लहर चलेगी तो पूरे देश में एक साथ उनकी सरकार बन जाएगी। हाँ, ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, इसके फायदे और नुकसान को देखा जाए तो डेफिनेटली अगर इकोनॉमिक वे में देखेंगे तो देश के लिए और बहुत सारी चीजें ये अच्छी होती हैं। हाँ। एक साथ इलेक्शन हो गया, 5 साल शांति है जी, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, सारी चीजें। एक खतरनाक चीज या निगेटिव चीज ये है कि अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो जो रीजनल पार्टियां हैं उनको शायद उतना परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल पाएगा। सर जी जी बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश में केवल 2 ही बड़ी पार्टियां बचेंगी और जो रीजनल पार्टियां हैं उनका अस्तित्व या तो खत्म हो जाएगा या खतरे में पड़ जाएगा। वीके गोस्वामी साहब, ये आप लोग का एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जा रहा है, एक तो राम मंदिर बनाने की तरफ अगला कदम और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी। देखिए आतुल जी, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर तो पहले भी हम लोग डिबेट कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रहा है इधर, और जैसे सुप्रीम कोर्ट का जैसे भी फैसला आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके का डिसीजन लेगी। राम जन्मभूमि के मुद्दे को अगर कहिए तो वो बीजेपी के एजेंडे में हर समय हम कहते हैं कि राम जन्मभूमि बनाने के पक्ष में है, क्योंकि राम अयोध्या में हुए थे, इसलिए राम मंदिर अयोध्या में ही बनना चाहिए। और उसकी शुरुआत भी मैं बता दूं अतुल जी, वो 2014 में देश की जनता ने कर दिया है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना भारी बहुमत देकर के, तो वो संकेत देश की जनता ने भी दे दिया है, फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने भी 2017 में दे दिया है, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। और ये आप जो नई थ्योरी बता रहे हैं तो इसमें भी विपक्ष के भी विचार आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ इस तरीके का जजों का विचार है, चुनाव आयोग का भी है कि एक साथ में पूरे देश में चुनाव हो, तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसमें सारे दलों की सहमति की जरूरत है, इसमें बहुत से प्रॉब्लम भी आएंगे, बहुत से चुनाव प्रदेश के चुनाव के डेट ड्यू है 18 में, पार्लियामेंट का चुनाव 19 में होना है, तो इस तरीके से उस पर तो सबके विचार आ जाएंगे और उसके बाद में ही कोई फैसला होगा। जी हेमंत तिवारी साहब, क्या इस विचारधारा को अभी हम एकदम से खारिज कर सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के चलते और वन मोदी और वन इंडिया के नाम पर कांग्रेस मुक्त भारत करने की तरफ ये आगे बढ़ चले हैं? मुझे लगता है अगर हम एकदम से ऐसा कहें तो ये बहुत निर्मम विश्लेषण होगा। हम इस बात से इनकार अतुल कतई नहीं कर सकते, अगर अमेरिका में या किसी दूसरे देश में मोदी 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 होता है, मोदी तो आफ्टरऑल इंडिया का ही एसेट है ना, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति, हमने उनको चुनकर बैठाया है, और अगर उनकी चर्चा पर चर्चा, प्रशंसा या नारे उनके नाम पे लगते हैं तो इसको हम बहुत है, इसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें गर्व है सर। प्लीज मिश्रा जी, ए के मिश्रा साहब, मुझे इतना समझाइए कि अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी के लिए हम राह क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो हार है, ये हार, ये बहुत बहुत गहरा जख्म है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं इस हार को मैं कैसे एनालाइज करूंगा। इस हार को सर मैं उस जबरदस्त आघात या एक झटके के रूप में आभार करूंगा जिसमें दो ही चीजें होंगी सर, या तो बहुत बड़ा विध्वंस होगा कांग्रेस के लिए या बहुत बड़ा नवसृजन होगा। और नवसृजन का उम्मीद मैं ज्यादा करता हूं क्योंकि राहुल गांधी जी नए नए अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस को हेड कर रहे हैं। तो अच्छा, इसमें इंडिविजुअली अगर ये देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी राहुल गांधी जी के लिए होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मनोयोग लगा के, जी जान लगा के उन्होंने गुजरात का वो किया और गुजरात में भी वो जीत नहीं पाए, तो उनकी कैपेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन होगा। लेकिन अध्यक्ष बन जाने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं और मेरा ऐसा गेस है कि जस्ट कमिंग 3-4 मंथ में एक आमूलचूल परिवर्तन स्ट्रेटेजिक, माइक्रो और लेटेंट वे में कांग्रेस में होगा सर। और वो बहुत सीरियस, कांग्रेस के लोग बहुत सीरियस दिख रहे हैं। जिस तरीके से मनी शंकर अयर को इन्होंने 2 मिनट में खारिज कर दिया और सारी चीजें हटा दी, सस्पेंड कर दिया, तो मुझे लगता है कि इनको भी लगता है कि अगर हम चेंज नहीं होंगे सर बदले हुए माहौल में तो हमारा अस्तित्व बचने वाला नहीं है सर। जी वीके गोस्वामी साहब, मुझे पता है कि आपकी टीआरपी ज्यादा है और आपको आज यहां वहां से कई जगहों से बुलवा मिला हुआ है, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं जी। 2-4 मिनट आपके और लूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, और जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं उन प्रवक्ताओं की भी पहले से ही बहुत ज्यादा जो है मसरूफियत है। मुझे ये बताइए गोस्वामी साहब कि अब यहां से आप गुजरात की जीत का जो असली प्रभाव है क्या वो उत्तर प्रदेश में देखेंगे? क्या अब बाबा योगी आदित्यनाथ साहब का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा? जिस तरह से गुजरात में उन्हें इतने जगह घुमाया गया और उनकी जीत के सकारात्मक ये जो परिणाम आए हैं जीत के तौर पे, बाबा के पास उत्तर प्रदेश के लिए पहले वक्त कम था। किस तरह से देखिए विक्ट्री साइन बनाकर, ये देखिए ये तस्वीरें किस तरह से ये विक्ट्री साइन बनाकर गए हैं, और ये जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री जी की एक राजनेता के तौर पर ये एक बड़ी जीत जरूर है। गुजरात में 22 वर्षों के राजपाट को उन्होंने आगे कंटिन्यू करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी का जो माहौल बना था उन्होंने उसको अपने शानदार शब्दों से, भाषणों से, प्रस्तुति से और अमित भाई शाह के संगठनात्मक क्षमताओं से एंटी इंकम्बेंसी को उन्होंने प्रो इंकम्बेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये नरेंद्र मोदी जी आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ए के मिश्रा जी क्या कुछ ख्याल आता है? नहीं, ख्याल ये आता है कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो डेफिनेटली आज की डेट में दूसरे और पॉलिटिशियन से थोड़ा सा तो बेहतर है ही स्ट्रेटेजिक वे में। और उनके पीछे जो टीम लगी हुई है सारी चीज, उनके जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस है, बीजेपी के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए मैं तो बहुत पहले से ऑलमोस्ट, मैं अभी भी बोलूं कि मैंने पहले भी बोला था कि 110, 15, 17 तक का जो है इनका होगा प्लस माइनस का, ठीक है। अपने आप को इतना मेंटेन कर लेना, अगर यही चीज 135 या 150 जाती तब तो मैं मोदी मैजिक या अमित शाह मैजिक या उत्तर प्रदेश के मतलब योगी मैजिक में मानता, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल, चूंकि आप मजबूत हो इसलिए आपको 115 117 मिल रहा है। हेमंत तिवारी जी के पास मैं चलूंगा चूंकि आपको और गोस्वामी जी को हमको विदा भी करना है। आखिरी रिएक्शन आप दोनों से लेना चाहूंगा। हेमंत दादा की भी आजकल बड़ी डिमांड है, सारे बड़े जो चैनल्स हैं वो अगर एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं तो हेमंत तिवारी जी उनकी पहली चॉइस के तौर पे होते हैं। हेमंत तिवारी, मुझे इतना बताइए, चलते चलते इतना बता दीजिए, हाँ छोड़ दूंगे आपको, चलते चलते इतना बता दीजिए कि आखिरकार इस जीत को और नरेंद्र मोदी जी के इस विक्ट्री के साइन को राजनीतिक दृष्टि से आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इसको देश की ताजा राजनीतिक दशा का बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहा हूं। एक बहुत अभीष्ट अवसर था कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए, ठीक उस तरीके से जैसे खेल की भाषा में आप लीग क्वालिफाई करने का मौका हो लेकिन लीग क्वालिफाई करते ही आप फाइनल पहुंच जाए। मतलब अगर गुजरात में कामयाब होते, गुजरात में मोदी और शाह को पटक देते राहुल गांधी, तो 2019 की लड़ाई में बहुत ऊंचे पायदान पे चढ़ के लड़ते। लेकिन एक बड़ा अवसर था 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने का, जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी फेल रहे बावजूद इसके कि उन्होंने हर प्रयोग किए, हर हथकंडे अपनाए, हर कोशिश की, जिसको मैं बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि राजनीति में संभव करना भी चाहिए। ठीक है, जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है इसमें कोई शक नहीं कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए मॉरल बूस्टर है। और अगर बता रहा हूं मैं टर्निंग पॉइंट क्यों कह रहा हूं आतुल, अगर भाजपा नरेंद्र मोदी शाह की जोड़ी यहां पीछे जाती तो खाली गुजरात नहीं, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा से लेकर के असम और 2019 तक के लोकसभा चुनाव पर हेमंत तिवारी जी इस शानदार जीत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार और बढ़ेगा या फलदार वृक्ष झुकेगा? यह आखिरी सवाल है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, मैं समझता हूं सबसे मौजूद सवाल है। और भले कोई न कहे, ज्यादातर लोगों के जहन में यही सवाल था। बहुत लोग सोचते थे, भाजपा के भी लोग सोचते थे थोड़ा डाउन हो जाए, कुछ समाज दबाव बनेगा, सुधरेंगे, सरल होंगे। मैं एक तो ये नहीं मानता हूं बहुत ज्यादा घमंड में है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो गर्वोक्त की राजनीति है उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स ने बढ़ावा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी गर्वोक्त की राजनीति खुद के भले के लिए फायदेमंद होती है, सेहतयाब होती है। तो इस दृष्टि से जान लीजिए, अगर लंबी पॉलिटिक्स करनी है 2019 ही नहीं, 2024 भी देखना है, 2017 ही नहीं यूपी का 2022 भी देखना है। ठीक है, तो फलदार वृक्ष की तरह झुकना होगा। आप अब झुकोगे तो जनता इसको ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि जनता ने लगातार आप पे मोहर लगाई है, आपके सच के, आपके झूठ को स्वीकार किया है जी। तो बेहतर है कि अब थोड़ा सा झुक के बात करें, ज्यादा कामयाब रहेंगे जी। और विपक्ष और मीडिया को भी स्पेस दें तिवारी जी, जो कि आप तो कई सारे मीडिया संगठनों के मुखिया भी हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछना और मौजूद है। अरे साहब अतुल जी, अभी मैं सवेरे सवेरे कुछ बड़े जो सो कॉल्ड बड़े न्यूज चैनल है, हाँ। एक आध ऐसे चैनल जिसमें आप रह भी चुके हैं, वहां के प्रधान संपादक का एटीट्यूड देख रहा था, हाँ। कि मतलब जो बैलेट की काउंटिंग उस वक्त शुरू हो रही थी, हाँ। लेकिन लग रहा था कि उनकी धड़कन आगे पीछे हो रही है, हाँ। अब ये आगे अब ये पीछे देखकर मुझे बढ़िया से छूट रही थी, हाँ। तो मुझे लगता है, एक बार जान लीजिएगा, बहुत सही सवाल किया था, अगर भाजपा डाउन हुई होती यहाँ तो शायद मीडिया के एक वर्ग को थोड़ी सी आजादी मिलती। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया में चाटुकारिता की भावना बढ़ी है, उसका एक नया ट्रेंड देखा गया है। चाटुकारिता की भावना या डर? ना, डर भी है, आप डर भी समझ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ। कहीं ना कहीं तो है, हम तो, हाँ। खुद उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, हाँ। अच्छे मुख्यमंत्री उसके बावजूद मीडिया पर जो तरीका पिछले लोगों का रहा है और लोगों का रहा है वो ऐसा है नहीं, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप एक ही लाइन बोलूंगा, आप जीत गए हो, फलदार वृक्ष बनो, हर दृष्टि से, हर कदम से, अपने एटीट्यूड से, अपने आचरण से आपको कुछ ज्यादा कामयाबी मिलेगी, चाहे मीडिया के प्रति आपका भूमिका हो, चाहे जनता के प्रति, चाहे अपने नेताओं के प्रति, हाँ जी। आप एक बार जान लीजिएगा जी, मैंने क्या कहा था, बहुत बड़ी लाइन कही थी, अमित शाह जब चलते हैं तो उनसे 5 फीट की दूरी पर लोग रहते हैं, ये दूरी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, शायद और आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे जी। वीके गोस्वामी साहब, जीत की बधाइयां हम आपको देख के विदा करेंगे। अब आखिर में कमेंट आपका क्या है, ये जीत आखिरकार है किसकी? देखिए अतुल जी, ये जीत आपकी है, देश की जनता की है। गुजरात के प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में जो फिर एक तरफा वोट दिया है, वहां की जनता को धन्यवाद मैं दे रहा हूं। और रही बात प्राउड की बात, तो, हाँ। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्राउड में नहीं है, ठीक है। जो हमारा अपना मिशन है कि गांव, गरीब, खेत, सारे जात वर्ग को लेकर कार्य करना, वही हमारा मिशन है। ठीक है, आपका और हेमंत तिवारी जी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकालकर हिंदी खबर के 19 करोड़ दर्शकों से, जो हमें 3 DTH केबल प्लेटफॉर्म और अलग अलग डिजिटल माध्यमों पर देखते हैं, उनसे रूबरू होने का आपने वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। उम्मीद करेंगे कि ये स्नेह, ये वार्तालाप, ये संवाद लगातार चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को धमाकेदार जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरा सवाल बड़ा मौजूद है कि क्या इस जीत से बीजेपी के नेता वो अहंकार में डूब जाएंगे या फलदार वृक्ष की तरह वो झुके हुए नजर आएंगे? विपक्ष और मीडिया के ऊपर जो दबाव लगातार बीजेपी और उसके द्वारा शासित सरकारों की तरफ से आयातित किया जाता था, क्या मीडिया अब थोड़ा सांस ले पाएगा, क्योंकि 2018 और 19 भी चुनावी साल है? यह एक मौजूद सवाल है और हेमंत तिवारी साहब से बेहतर इस सवाल का जवाब कोई और दे नहीं सकता था, इसलिए मैं सवाल लेकर आया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।